पिछले दिनों हुए सियासी बदलाव के बीच महागठबंधन की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इन सब राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बार फिर से बिहार के चार बाहुबलियों की चर्चा तेज हो गई है। राजन तिवारी, सुनील पांडे, आनंद मोहन से लेकर अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं इन चार बाहुबलियों के चर्चा में आने की पूरी कहानी। सुनील पांडे की गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है। भोजपुर जिले के पीरो से विधायक रहे सुनील पांडे को मिर्जापुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूर्व विधायक पर हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पनाह देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सुनील पांडे 14 अगस्त को मिर्जापुर के अष्टभुजा के दर्शन के लिए विंध्याचल गए थे। बताया जाता है कि इस बीच दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग कन्हैया प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने जब बदमाशों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में अपराधियों ने यह कबूल किया कि उन्होंने भागने के लिए पूर्व विधायक की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पुलिस ने सुनील पांडे को अरेस्ट कर लिया। हालांकि पूर्व विधायक ने घटना में संलिप्तता को लेकर इनकार किया है। पुलिस की जांच जारी है। बाहुबली विधायक राजन तिवारी भी विधायक रह चुके हैं। वे मोतिहारी के गोविंदगंज से एमएलए बने थे। पुलिस ने उन्हें रक्सौल से गिरफ्तार किया। बताया गया कि वे नेपाल भागने के फिराक में थे। बाहुबली राजन तिवारी पर 25,000 का इनाम था। राजन तिवारी को यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का साथी बताया जाता है। दिसंबर 2005 में यूपी की एक रिपोर्ट से राजन तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई आपराधिक मामले में सामने आया था। बिहार के बाहुबलियों में आनंद मोहन का नाम आता है। आनंद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बीते दिनों सहरसा जेल से पटना पेशी के लिए आए आनंद मोहन अपने निजी आवास पर पत्नी लवली आनंद और राजद विधायक चेतन आनंद और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। उन पर यह आरोप लगा कि कार्तिक सिंह पर अपहरण के एक मामले में वारंट जारी है और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करने की बजाय शपथ ली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर जमकर सरकार पर निशाना साधा। हालांकि कार्तिक सिंह ने ऐसे आरोपों को गलत बताया और कहा कि ये विपक्ष की साजिश है। कार्तिक सिंह को राजद के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह का खास बताया जाता है। बताया जाता है कि 2014 में पूर्व विधायक अनंत सिंह के कथित 4,70,00,000 रुपए लेकर बिल्डर राजीव रंजन फरार हो गया था, जिसके बाद पूर्व विधायक बिल्डर को उसके गांव से अपनी गाड़ी से लेकर पटना पहुंचे थे। उस दौरान खूब बवाल भी हुआ था, जिसके बाद राजू के बयान पर अनंत सिंह समेत अन्य लोगों के विरुद्ध अपहरण कर प्रताड़ित करने की प्राथमिकी बिष्टा थाने में की गई थी। इसी मामले में विधि मंत्री कार्तिकेय कुमार भी आरोपित थे।